किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर उसके सिलेबस को पूरा करने की एक जिद होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये जिद पूरी हो जाती है तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो जवाब देना जब आपकी ज़रूरत बन जाता है तब होता है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई। ज़रूरत और जिद दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। जिस टाइम पे इनका बैलेंस ख़राब हुआ तो एग्ज़ाम समझ लो ख़राब होगा। तो इसलिए एक जील आपके अंदर होना चाहिए जवाब देने का भी और तैयारी करने का भी। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज हमारा 61 और पार्ट है 25। हम इस बुक में केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करवा रहे हैं, जैसे कि पुराने सब्सक्राइबर्स को पहले से पता होगा। तो यहाँ पे हम केवल वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि वन उत्पादन एवं कृषि कौन से सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब कि प्राथमिक द्वितीयक सेक्टर या फिर थर्ड सेक्टर में। तो ये जो आते हैं ये आते हैं प्राथमिक सेक्टर में। अगला है आपका, कबीर रामानंद के शिष्य थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको कहा जाता है। आपके सामने एग्जाम में चार ऑप्शन होंगे तो आपको राइट आंसर चूज करना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, और मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। डीएनए संबंधित है किससे, आरएनए से, और हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है। महिला साक्षरता दर केरल राज्य में अधिक है। एलिसा जो टेस्ट होता है परीक्षण होता है वो होता है एड्स से संबंधित। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद जब उनके विचार आपस में टकराते हैं तब इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, चरक। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसी कारण से क्या होता है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी से बन जाता है। एग्ज़ाम में एक्चुअली ग्रेड डी के एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका पीओन का एग्ज़ाम होगा, ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा, या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम होता है ग्रेड डी का, वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, उसका रीज़न क्या होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला पॉइंट हमारा पैराडाइज लॉस्ट, ये बुक है, इसके राइटर कौन है, इसका राइटर है मिल्टन। सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक अकबर ने कदम उठाए थे। अजंता चित्रकला में पंचतंत्र को दर्शाया गया है। आगा खा कप किस खेल से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपका हॉकी से। उसके बाद हम बात करते हैं कि विद्युत बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता 1.2 से लेकर के 1.7% होती है। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में इसका अनुवाद करा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, और 1 मेगावाट 10 लाख वाट के इक्वल होता है। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया जाता है, और फ्रंटियर गांधी जो बोला जाता है वो बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग थर्ड सेक्टर होता है आपका सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार है सऊदी अरब, और भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे
पर्वतीय नगर और उसके राज्य, ऊटी कहाँ पर है? अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है कि यार ऊटी चलते हैं घूमने के लिए, तो ऊटी है कहाँ पर? तो ये है तमिलनाडु में, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में, पेरियार केरल, मन्नार केरल, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, और डलहौजी हिमाचल प्रदेश, और शिमला भी है आपका हिमाचल प्रदेश में। होने के तो बहुत कुछ है। देखिए हर एक पॉइंट इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारा पढ़ने की जगह अगर हम सिलेक्टेड पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। देखिए नॉलेज गेन करने में कोई बुराई नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम, आप चाहें तो ये पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको अदर किसी सब्जेक्ट में भी टाइम देना है, आपका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, कुछ भी वीक आपका हो सकता है, अगर आपको उसमें टाइम देना है तो आपको कम से कम GS में इतना पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बुक को उठा लीजिए, बुक को हाईलाइट करिए, और उसके बाद डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी रिविजन करना हो तो अपने बुक में से रिविजन करना। तो इसलिए बुक को आपने हाईलाइट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने नोट्स खुद बना रहे हैं वीडियो को सुनते सुनते देखते देखते, तो वो अलग मैटर है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नो इश्यू। प्रमुख नगर और उनके संस्थापक, श्रीनगर की स्थापना कौन से किसने करी थी? तो वो ये करी थी अशोक ने, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम ने, आगरा बनाया था आपका सिकंदर लोधी ने, जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और दिल्ली नगर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी अनंगपाल ने। कलकत्ता नगर की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर ने। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर, कि शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। क्या? 78 वर्ष। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ी है, जयंतिया भी साथ में होती है, ये जो पहाड़ियां हैं ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, और शिवाजी के पिता का नाम था शिवाजी भोसले। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है, और सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन। ग्रेगेरियन पंचांग जो कैलेंडर है को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 70 मिनट। और सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प के नीति भी बोलते हैं इसको, हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। गोल्जी कोई का प्रमुख कार्य श्रावी है, और उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान कौन सा है? ये जो वृक्ष रहित जो मैदान होता है जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होते, ऐसा मैदान, उस मैदान को बोलते हैं सवाना। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इब्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी, देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है ढंग से। तारों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। भगत सिंह एवं बंटू केशवर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। उसके बाद बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ पर है? यह है आपका उत्तराखंड में, और गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री है आपका एडविन एल्ड्रीन। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं सलाहकार थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति राव गोविंद राव फूले ने की थी। महादेव पर्वत, ये जो पर्वत है वो शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है। और द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर RBC लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे मिश्र धातु एवं उनके घटक। पीतल जो बनता है वो बनता है तांबा और जस्ता के द्वारा, कांसा तांबा और टीन के द्वारा, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम तथा निकेल के द्वारा। स्टील लोहा तथा कार्बन, टाका जिसे बोलते हैं सोल्डर, टीन तथा शीशा, देखिए ये ही पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे,
जो ग्रीन से आप देख रहे हैं ना, केवल यही पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। आपको इसको प्रॉपर तरीके से ढंग से याद करना है। सोल्डर, लेड तथा टीन, नाइक्रोम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। पदार्थ एवं उनके व्यापारिक नाम क्या हैं? साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसको, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मार्स गैस, मीथेन, मिक, मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। और संविधान संशोधन प्राविधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। और रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल, न्यूटन के तृतीय गति नियम के। सुगोली की संधि 1816 में इसमें हस्ताक्षर हुआ था। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है आपका ऑक्टेन। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इन दोनों के मिलने के बाद में बनता है क्या? पीतल। उसके बाद देखिए इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा हाईलाइट आपसे नहीं कराया। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसकी। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिक के सल्यन होता है। होम रूल के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे। और प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। डोगरो भाषा जो है वो है जम्मू कश्मीर की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय जो वायसराय था उस टाइम पे वायसराय था जेम्स फोर्ड। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7। और पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इस्लाम की स्थापना 7वीं ईस्वी में हुई थी। और भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाली जो बॉडी है, संस्था जो है, उसका नाम है आपका सेबी। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। तो मतलब कि कोयले की जो अच्छी किस्म होती है वो होती है आपके एंथ्रासाइट। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर महाफाल्गन होता है। तो लास्ट महीना जो होता है वो राष्ट्रीय कैलेंडर का शक संवत का, उसको बोलते हैं फाल्गुन। आगे हम बात करते हैं आपसे, ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। हाँ, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? एग्जाम में पूछता है आपसे रासायनिक सूत्र के बारे में। तो इसलिए ये सभी पॉइंट आप प्लीज़ कहीं पर लिख लीजिएगा अगर बुक नहीं है तो। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ए, उनकी खोज और रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो वो है आपका रेटिनॉल। और उसकी खोज हुई थी 1913 में। देखिए खोज की तो फिलहाल चांस बहुत कम है आपके एग्जाम में आने के लिए, लेकिन उनका रासायनिक नाम पक्का पूछता है। विटामिन B12, कोबाल्ट आपको पता होगा, तो कोबाल्ट का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। B12 वहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है ये साइनो कोबालमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन के फिलकोविनोन। अब देखिए इनसे होने वाले रोग, विटामिन ए से जो रोग होता है वो होता है आपका रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा होगा रोग? रतौंधी। विटामिन B1 से बेरीबेरी, B3 से होगा आपका मंदबुद्धि हो जाना, बालों का बहुत जल्दी सफेद हो जाना। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़े से क्या होता है? मसूड़े का फूल जाना, उसमें से खून आना। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई होता है नपुंसकता या बंध्यता। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन वोल्टी या सरल सेल में जो प्रयुक्त होता है अम्ल एसिड, उसका नाम क्या? उसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सूखा सेल में जो होता है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड।
उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 64 की। इसमें जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा लाइट है, तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे ब्राइटनेस सेट करनी पड़ेगी। आपको सभी पेज में थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, उसका रीज़न यही पेज था। बुक में प्रिंटिंग काफ़ी लाइट थी, स्कैनिंग के टाइम पे ये क्लियर नहीं आ पाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1994 में प्रारंभ हुई थी और युगांतर नाम पुस्तक का लेखक है महेश एल कुचवारा। गेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और उसके बाद हिंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सुदर्शन झील का जो मरम्मत हुई थी वो कराई थी रुद्रदमन प्रथम ने। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन है? वो है जापान देश की थी। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था जनरल ओ डायर ने। भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना। अकबर जब नाबालिग था, बच्चा था, तब उसका जो अभिभावक था वो था आपका बैरम खां। भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में स्थित है। और यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है आपकी पृथ्वी। अब हम बात करते हैं कवि और उनके संरक्षण या फिर शासक। एग्जाम में पूछा है कौटिल्य का शासक कौन था, संरक्षक कौन था, उसका नाम बताइए। तो यह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चरक का कनिष्क, कालिदास का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तानसेन, बैजू बावरा, अकबर, बदायूनी, फैजी, अकबर, बीरबल, तुलसीदास, अकबर। कॉमिक चरित्र स्पाइडरमैन, रचनाकार कौन है इसके स्पाइडरमैन के? ये हैं आपके स्टेन ली, बेंटम, बाबकेन, टॉर्जन, एडगर रहीस, बारोज, चाचा चौधरी, प्राण, फैंटम, ली फॉक। अब हम बात करते हैं औद्योगिक संगठन। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड कहाँ पे ये है स्थित, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो झारखंड में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। देखिए, बोकारो राउरकेला ये जो दोनों जो संयंत्र स्थापित हुए थे ये हुए थे बाहर के दो देशों के द्वारा। तो ये सब हमने डिस्कस करा है लुसेंट बुक में। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो उसका उठाइए अपने रैक में से, उसका रिवीजन करिए एक बार। अगर आपने सभी वीडियो लुसेंट जीके के वॉच करे हैं तो अगर आपके क्लास टीचर ने किसी ने उस बुक को हाईलाइट करवा रखा है तो ये पॉइंट में पक्का हाईलाइट करवाया होगा। अगर नहीं करवाया तो उसको देखिए, उसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 65। ऋग्वेदिक काल में पूर्ण आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो होता है सूर्य ग्रहण। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। पके हुए आम में विटामिन ए। क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल दी गई। मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर में मापी जाती है। पाचित खाना छोटी आंत द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं मॉर्निंग में, 10:30 अभी टाइम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद बाहर से आपको साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं डेडिकेटेड कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक नहीं कर सकता, क्योंकि डेली के रिकॉर्डिंग स्टूडियो आते थे घंटे कम से कम 5,500 रुपये लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो कॉस्टली पड़ता भी है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप नेट का यूज़ करते हैं या फिर वीडियो वॉच कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप मैनेज प्लीज़ करिए। ये थोड़ा बहुत साउंड तो आपको मैक्सिमम हर एक वीडियो में आपको कहीं ना कहीं अदर जो चैनल वगैरह बनाते हैं उन सब के उसमें साउंड पक्का मिलेगा।
तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपका लगता है कि आपका अगर कैरियर किसी सब्जी वाले के हाथ में या किसी अदर के हाथ में है, अगर उसकी छोटी सी आवाज़ से आप नहीं पढ़ पाते, तो प्लीज़ आप खुद को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपका कैरियर किसी और के हाथों में नहीं है, आपका कैरियर आपके खुद के हाथ में है। बात करते हैं, देखिए, स्थायी कठोरता जल में होने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेपचा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है, और भारत की भौगोलिक स्थिति 68 डिग्री से 7 मिनट तथा 92 डिग्री से 25 मिनट है। पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। जनगण मन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित है। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार हांगकांग में हुई थी। सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है? वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य करा। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। वॉट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट किया जाता है, मापा जाता है। नटराज की मूर्ति चोल काल में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से हुई थी। कहाँ से? ग्रीस देश से। अब हम बात करते हैं पार्टी, उसकी स्थापना कब हुई थी, चुनाव चिन्ह। कांग्रेस स्थापना 1885, और इसका चुनाव चिन्ह है आपका हाथ पंजा। भाजपा 1980 कमल। शिवसेना 1966 तीर धनुष। आम आदमी पार्टी 2012 झाड़ू। अब हम बात करते हैं समाचार पत्र और उसके संस्थापक। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी। 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडिया 1890 मुंबई, और संस्थापक हैं इसके दादा भाई नरोजी। युगांतर कलकत्ता 1906, संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन 1873 कलकत्ता, बकिम चंद्र चटर्जी। इंडिपेंडेंस 1919 मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी। हरिजन 1933 पुणे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और अभी देखिए, नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम का नहीं आया है, अभी है आपका 9 नवंबर, जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है 9 नवंबर की मैं रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो अभी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा नहीं कि आप देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टडी करेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टडी में आपको अभी से लगना पड़ेगा, राइट? अभी से आप लग जाइए, फिर जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार कम से कम 90 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। कॉम्पिटिशन्स कितना है, इतना आपके लिए सारा मेरे हिसाब से बहुत है। तो सोचिए, 90 लाख में से आपको उन सब बच्चों से आगे निकलना है। ये निकलेंगे आप योग्यता के आधार पर। योग्यता कब आएगी, नॉलेज कब आएगी? जब टाइम देंगे भाई, सो करके, ऑफिस जा करके, यहाँ वहाँ दिमाग चला करके, पढ़ाई को टच ना करके, तो नॉलेज तो गेन नहीं होगी ना, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से आप लग जाइए पढ़ाई में। देर आए दुरुस्त आए, ये भी देर कर रहे हो आप लोग, अभी भी आप लोग बहुत देर कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई नहीं, क्या पता थोड़ी मेहनत अगर आप टाइट करते हैं तो क्या पता इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तब। और बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड तक, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, SSC की तैयारी कर रहा हो, ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, उस तक इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं उसके माध्यम से इसको शेयर करें। और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद में आप एक बार प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा, चेक करिए कौन कौन सी बुक के वीडियो चैनल पर हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।